हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी सिंथिया, यू ऑलरेडी नो मी। और कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज जो है मैंने सोचा मैं अपना लंच आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैं खाने लगी थी और विच इज सेंडेड बाय मामा, जो कि मामा ने मेरे लिए भेजा है कुक करके, और बड़ा स्पेशल सा है तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इफ़ यू ऑलरेडी माय फॉलोअर सो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना खाना, विच इज़ आई गेस इज़ मटन पुलाव। ओके सो आपको दिखाती हूँ मैं अभी अपना खाना, आप लोग भी मुझे बताना कैसा लगा। अभी मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन खाने से पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सो अभी मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ओके गाइस, सो हियर इज़ माय बॉक्स विच इज सेंडेड बाय मामा माइडीन PNG। और इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या है। ओ नथिंग, ओके लेट्स ओपन द अदर पार्ट। दिस इज लुक सो इंटरेस्टिंग एंड यमी, बड़े मज़े का लग रहा है मटन पुलाव जो है, मेरे मुंह में पानी आने लग गया देखते ही। और मम्मा ने क्या क्या सेंड किया है, ये है जी चेरीस, और ये है सावर प्लम जो होता है, ये हम लोगों ने पाकिस्तानी शॉप से लिए थे, ये पाकिस्तानी है। और इसके साथ क्या है जी, कुकम्बर, प्याज, अनियन और कैरेट। बड़ा अच्छा मम्मा ने बॉक्स बना के भेजा है, थैंक यू सो मच मम्मा। और भी एक चीज़ है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, विच इज़ मैंगो मिल्क शेक। और ये आप देख सकते हैं मेरी बोतल मम्मा ने अलग से रखी हुई है, ये मुझे बहुत पसंद है चमक वाली चीज़ें, इसलिए मैंने चमक वाली बोतल लेके रखी है। और अभी लेट मी मकन फर्स्ट, और मैं आपको बताऊंगी खाने के बाद कि मेरा खाना कैसा था। सो लेट्स मकन ईट। ओके गाइस, तो आई एम गोना ट्राई द मटन पुलाव, मैं ट्राई करती हूँ मम्मा ने कैसा। वैसे तो मम्मा अच्छे बनाती है, नो डाउट, खाना मम्मा बहुत मज़े का बनाती है। सो हियर आई गो, काली मिर्ची आ गई मेरे बाइट में। ओके वेरी नाइस, मम्मा ने जो कल बनाया था उससे ज़्यादा मज़ेदार ये आज बना है। लैम भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कुक हुआ है, गला हुआ है बहुत अच्छे से। नॉर्मली मैं किसी चीज़ को बाइट नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव ब्रशेज ऑन, तो लैम जो है बहुत अच्छे से गला हुआ है, आप देख सकते हैं, आई कैन बाइट ईजीली। वेरी नाइस मम्मा, थैंक यू सो मच। और अभी मेरा दिल चाह रहा है मैं ये खाऊं चेरीज, बिकॉज दैट इज़ माई फेवरेट। अभी इट्स सावर बट नाइस, आई विल ईट आफ्टर माई मटन पुलाव। सो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। ओके गाइस वेलकम बैक, तो खाना जो है मैंने खा लिया मटन पुलाव, बहुत मज़े का था। और मुझसे मतलब जो फ्रूट था वो नहीं अभी खाया गया, तो वो मैं बाद में खाऊंगी। और लेट्स पुट बैक द बॉक्स इनसाइड द बैग, और ये रहा जी बैग जिसमें मम्मा भेजती है लंच बैग, और इसमें मम्मा ने ये डाल के भेजा था, तो अभी मैं इसको वापस इसमें रख दूँ। पुलाव जो है मैंने ख़त्म कर दिया है, और फ्रूट अभी मैंने नहीं खाया क्योंकि गुंजाइश नहीं है, पेट फुल हो गया मेरा, छोटा सा तो पेट है, थोड़ा सा काम तो फुल हो जाता है। तो अभी जी मैंने वैसे पैक कर दिया जैसे मम्मा ने भेजा था, तो अभी मैं इसको रख देती हूँ ऑन साइड, साइड पर रख देते हैं इसको। और अभी मैं पीने लगी हूँ मैंगो शेक, नाउ टाइम टू ड्रिंक मैंगो शेक। किस किस को पसंद है मुझे लाजमी कमेंट करके बताना, मुझे बनाना मिल्क शेक और मैंगो मिल्क शेक मेरा तो बहुत फेवरेट है। एज़ यू कैन सी गाइज, हाउ इज़ माई बॉटल,
मेरी बोतल भी बहुत प्यारी है, ये आप देख सकते हैं, चमक ऊपर नीचे आती जाती है। ओके लेट्स ओपन एंड ट्राई, हाउ इज द टेस्ट? ये बहुत ठीक है और बहुत मजे का बना है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं पूरा पी जाऊं, लेकिन राइस खाने के बाद आप ना तो पानी पी सकते हैं फौरन और ना ही कोई और ड्रिंक पी सकते हैं, नहीं तो आपका पेट बाहर आ जाता है। तो मैं अभी नहीं पी सकती, ये एक आध घंटे के बाद मैं पीऊँगी। तो गाइस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, कैसी लगी आपको लाजमी मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।